सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चेंगोंग रूबा के न्यू मॉडल रेफ्रिजरेटर में, जिसमें आपको जो है नॉर्मल मैक्सिमम प्राइस में यानी कि बजट प्राइस में ही आपको काफी जो है उसमें अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट कूलर टाइप रेफ्रिजरेटर है और मैं आपको इसकी प्रॉपर जो है मुकम्मल डिटेल और यहाँ पर वीडियो में आपको जो है प्रॉपर इसका रिव्यू देने वाला हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये रेफ्रिजरेटर काफ़ी पसंद भी आएगी, क्योंकि इसमें जो है आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से लगभग उसी प्राइस में आपको जो है एक अच्छी रेफ्रिजरेटर और इसमें कुछ प्लस आपको अच्छे फीचर मिल जाते हैं। इसमें जो है आपको LED प्लस टच स्क्रीन भी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आप हमारे फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम जो है RAC एंड HVAC से रिलेटेड आने वाली वीडियोज जो है वो आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही देखकर फायदा उठाते रहे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर मैं आपको जो है वीडियो डिटेल दे देता हूँ कि ये रेफ्रिजरेटर दिखने में कैसा है, इसका डिज़ाइन स्टाइल और इसमें आपको क्या क्या फीचर जो है वो मिल रहे हैं। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की प्राइस में ही आपको क्या क्या प्लस जो है फीचर अच्छे मिल जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यही क्लियर करता चलूँ कि इसके डिस्प्ले जो है आपको जो है इसके ऊपर वाले डोर में ही इसका आपको डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाती है, जहाँ पर जो है आपको टच ही टेम्परेचर अप डाउन करने की ऑप्शन मिल जाती है। टोटल सेटिंग जो है आपको वहीं पर देखने को मिल जाती है और आपका टेम्परेचर क्या चल रहा है, आपने क्या सेलेक्ट किया है वहीं पर आपको शो होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें नॉर्मल जो है क्या क्या हमें डिज़ाइन कैसा मिल रहा है, इस चीज़ की बाद में हम बात करेंगे इसकी कुछ मेन हाईलाइट की। यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया है, ओके, इसका डोर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें नॉर्मली आपको डायरेक्ट कूल ये रेफ्रिजरेटर है, नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर नहीं है। और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में आपको यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि एक खुला डुला जो है आपको ऊपर वाला हिस्सा मिल जाता है, बट इसमें आपको जो है साइज मुख्तलिफ मिल जाएगी। ये एक मीडियम जो है साइज है ये वाला, इससे बड़ा भी आपको मिल सकता है, छोटा भी मिल सकता है। और नीचे वाला डोर ओपन करके अगर हम देखें तो इसमें भी आपको एक जो है अच्छी स्पेस मिल जाती है। और जो है आपको यहां पर अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं नीचे की तरफ तो मैं भी आपको लेके चलता हूं नीचे, तो जहां पर आपको बता दूं कि इसका जो टेम्परेचर है, एक हमें स्पीड के लिए बटन दिया गया होता है जहां पर जो है आपको देखने को मिलता है। तो साइड पर आप देखेंगे तो यहां पर जो है आपको सिर्फ उसका एक बॉक्स का देखने को मिलेगा, बस उसके अलावा आपको जो है यहां पर टेम्परेचर वगैरह कुछ भी वो सेटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको जो है टच ऊपर ही डिस्प्ले पर दे दिया गया है। अब यहां पर इसकी मेन और कमाल की हाईलाइट्स पर हम थोड़ा सा फोकस डालते हैं। तो यहां पर जो है DC इन्वर्टर, ये रेफ्रिजरेटर है, ओके, स्मार्ट DC इन्वर्टर, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको लाइफ टाइम जो है इसकी वारंटी दी जाती है। 4 कंप्रेसर आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम कंप्रेसर की वारंटी मिल रही है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब कि अच्छी लगी और काफ़ी अमेजिंग है। लाइफ टाइम अगर आपको इसकी वारंटी मिल रही है तो उसके आगे हम अगर चलें तो यहाँ पर जो है अप टू, यहाँ पर दिया गया है, लिखा है कि अप टू 13,000 जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग, मतलब कि एयर्स में साल में आप 13,000 इस रेफ्रिजरेटर को यूज़ करके दूसरे रेफ्रिजरेटर की नस्बत आप इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। बट ये तो मैं नहीं जानता कि होगा भी कि नहीं, लेकिन खैर इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर अप टू आपको जो है 137 आवर्स जो है मिल जाता है यहाँ पर मेंटेन, यानी कि आपको जो है अगर आपकी लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है आपके इलाके में तो वहाँ पर जो है आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लोड शेडिंग मतलब कि अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आप आसानी से इसको जो है एक घंटा, अगर 8-10 घंटे चल चुकी है उसके बाद जो है 8-10 घंटे ऑफ भी रहेगी तो ये कूलिंग अच्छी खासी बीच में स्टोर करेगी। इसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है आगे अगर हम चले तो, जो कि 120 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्टेज तक राउंड बॉर्ड इसके अंदर ही, इस रेंज के अंदर ही अगर आपके वोल्टेज आते हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आपके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं इस रेंज में आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये कंट्रोल कर लेता है, कंप्रेसर एक्सेप्ट कर लेता है। नॉर्मली हमारे 200 या 180 90 हो जाते हैं, या फिर आप पहुँचेंगे तो 240 50 हो जाते हैं, तो मतलब कि ये वाली रेंज तो आसानी से ये कवर कर लेगा और इसको कंप्रेसर को कुछ भी नहीं होने वाला। शायद इसीलिए ही कंप्रेसर की वारंटी दी गई है, क्योंकि इसने जल्दी जलना तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जल भी जाता है तो वारंटी आपको मिल रही है। इसके अलावा आपको जो है लास्ट ऑप्शन मिल जाती है जो कि इसका मेन डिस्प्ले है, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसका डिस्प्ले आपको मिल रहा है और प्राइस रेंज भी आपकी जो है नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से थोड़ी ही ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यार लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।